है पुत्र कना संयोग, कार्य देव ने दिए कुचल, नहीं मानते यदि फिर भी देता हूँ तुमको ये फल। इसे खिलाना तुम पत्नी को निश्चित ही बेटा होगा, यदि साल भर रही नियम से बेटा साधु संत होगा। सन्यासी फिर चले गए, तब ब्राह्मण आया था गांव, फल पत्नी को सौंप के फिर लौटा वो उल्टे पांव। कुटिल धुंधली सखी से बोली, हे सखी ये फल ना खाऊं, फल खाने से गर्भ रहेगा, कैसे बड़े पेट बाहर जाऊं, शक्ति मेरी घट जाएगी, खाना मैं कैसे खाऊंगी, यदि डाकुओं ने आ घेरा बड़े पेट से कहां जाऊंगी। यदि शुकदेव की भांति ये भी पड़ा रहा सखी गर्भ मेरे, कैसे निकाला जाएगा बाहर, होगा कष्ट मुझे सांझ सवेरे। टेढ़ा हो जाए प्रसव पहले, मैं तो निश्चित मर जाऊंगी, प्रसव काल में पीड़ा होती कैसे भला मैं सह पाऊंगी। नंद रानी जापे में आए, घर का सारा माल समेटे, मैं दुर्बल हो पड़ी खाट में, देखूंगी बस लेटे लेटे। सत्य शौचादि नियम कठिन है, कैसे पालन कर पाऊंगी, और बच्चे का लालन पालन कष्ट ये क्या मैं सह पाऊंगी। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, बच्चे वाली बड़ी दुखी है, चाहे कोई माने ना माने, विधवा बांझी बड़ी सुखी है। शंकालु धुंधुली ने तब ना ही खाया था वो फल, पति ने पूछा बोली वो, हाँ खा लिया है मैंने फल। एक दिन उसकी बहन आई, उसको अपनी व्यथा सुनाई, धीरज बंधाया बहन ने उसका, एक अच्छी सी युक्ति बताई। बोली मेरे पेट में है बच्चा, तुझे दे दूंगी प्रसव होने पर, जब तक बन जा गर्भवती तू, बस धन देना माँ बनने पर। हाँ घर तेरे मैं आती रहूंगी, बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी, ये फल अपनी गऊ खिला दे, इस बारे में चुप ही रहूंगी। स्त्री सुलभ स्वभाव वश गई बेचारी धुंधली बौराए, बात मान के बहन की उसने फल गऊ को दिया खिलाए। पुत्रवती हुई बहन समय पर, जीजा ने धुंधली को सौंपा जाए, धुंधली ने सूचित किया पति को, पुत्र हुआ सुन सभी हर्षाय। जात कर्म संस्कार मांगलिक करके धुंधली बोली पति से, स्तन में मेरे दूध नहीं है, बालक पालूंगी मैं कैसे, बहन के बच्चा हो के मरा है, यदि कहो उसको ही बुलवाए, लालन पालन वो कर लेगी, समस्या को आने ना पाए। पुत्र मोह में आए के तब आत्मदेव गए मान, और धुंधकारी रख लिया उस बच्चे का नाम। बीत गए तब 3 महीने, उस गौ ने भी किया प्रसव प्रसार, दिव्य और निर्मल बच्चा जन्मा था उसका मानव आकार।
अचरज में डूबा हर कोई। जिसने भी सुन लिया ये समाचार, आत्मदेव ने हर्षित होकर स्वयं किए थे सब संस्कार। देव योग से गुप्त रहा धुंधुली का वो अब अभिमान, नाम रखा उसका गौकर्ण, गौ जैसे थे उसके कान। दोनों बालक बड़े हुए फिर जैसे चली समय की गाड़ी। गौकर्ण ज्ञानी पंडित निकला पर दुष्ट निकला धुंधुकारी। वो काम क्रोध मद द्वेष बढ़ाता हिंसक सर्वभंगी व्यभिचारी। चांडाल प्रेमी वैश्यागामी बना शिकारी घूमे धुंधुकारी। अपने माता पिता को पीट कर उसने घर से दिया निकाल। सारे बर्तन भांडे ले गया ब्राह्मण हुआ बेहाल। फूट फूट कर रोने लगा वो, उसकी जीवन संध्या ढली थी। पत्नी से यूं कहने लगा वो, ऐसे पुत्र से बांझ भली थी। कहाँ रहूं और कहाँ जाऊं मैं, विपदा मेरी कौन हरेगा, इससे तो मृत्यु है अच्छी, इतने दुख अब कौन सहेगा। तब आएगा कर्ण जी उसको रहे हैं यूं समझाए, संसार दुख का सागर है कोई न जाए इससे पार। पुत्र मोह का बंधन तोड़ो ना राजा ना इंद्र सुखी है, ले संन्यास जगत को छोड़ो, यहाँ तो हर प्राणी ही दुखी है। हड्डी माँ सिर धिर की काया इस पे इतना नहीं तिराओ, क्षण भंगुर है दुनिया सारी भगवान की भक्ति पाओ। सुन के वचन गौकर्ण के उसने बन जाने की मन ठानी। बोला क्या करना मुझको मैं मूर्ख और अज्ञानी। गौकर्ण बोले भगवत जन ही अन्य सभी से बड़ा धर्म है, भागवत कथा से नाता जोड़ो, साधु सेवा ही सत्कर्म है। आत्मदेव तब चल दिए अपना घर संसार भुलाए, दशम स्कंद कपाठ कर लिया श्री कृष्ण को धाय। भक्तो अध्याय चतुर्थ संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव।